सबको जय यीशु। जय यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम फिर एक बार प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम दोनों मिलकर, हमारा परिवार मिलकर इस प्रार्थना में, इस आराधना में आपका स्वागत करता है। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित हैं। और प्रभु का धन्यवाद कि हम प्रतिदिन रात को 8:30 बजे लाइव प्रार्थना के द्वारा आपके सामने उपस्थित रहते हैं और आपके साथ जुड़कर, आप हमारे साथ जुड़कर, प्रभु के साथ मिलकर हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार प्रभु ने हमें यह मौका दिया है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। तो हम अपने आप को तैयार करें प्रिय भाई और बहनों, अपने मन को, हृदय को खोलें, विश्वास को जगाएं और प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और प्रभु की आज्ञा यह है कि हम उसकी आराधना करें। आज विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने प्रार्थना का निवेदन दिया है और हम उनका, कुछ लोगों का नाम हम लेंगे, सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं। हम आपके लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे जीवन चंद्र सुभाष से, जो महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, परेशान हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करेंगे और वो खुद अपने आप को इस पीड़ा से मारने लगते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें इस बंधन से आज़ाद करे। हर्ष चंद्र सुभाष से, जो महाराष्ट्र से हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, प्रभु की आशीष और उन्हें मिले, ज्ञान और बुद्धि मिले पढ़ने के लिए, प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे सुरेश विशाल सुभाष के लिए, 22 साल से बच्चा नहीं है, प्रभु की आशीष मांगे कि प्रभु उन्हें बच्चे का वरदान दे। प्रार्थना करेंगे सामर सुरेश वासे के लिए, उन्हें अच्छी स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिले और प्रभु की सेवा में, कार्य में वो आगे बढ़ें। प्रार्थना करेंगे अनीता के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, उन्हें भी रात को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं और गलत गलत लोग, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें इस बुराई से छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे सुरेश सुभाष महाराष्ट्र से, प्रभु से प्रार्थना मांगी है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले। नौकरी के इंतज़ार में हैं, परिवार का खर्च चलाने में असमर्थ हैं। प्रभु परिवार को चलाने के लिए उन्हें नौकरी की आशीष दे। प्रार्थना करेंगे पूनम जो राजस्थान से हैं, बेटे सुशील के लिए प्रार्थना मांगी है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे खाया पिया नहीं लगता है, शरीर कमज़ोर है, काम नहीं करता। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनके जीवन में, शरीर में बल डालें। प्रार्थना करेंगे साक्षी सुभाष से और अलीसा सुभाष से के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे। प्रार्थना करेंगे रानी कुमारी के लिए जो बिहार से हैं, पति शिव प्रसाद जो नशे से जकड़े हुए हैं, प्रभु उन्हें नशे से, नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। भाई राहुल नशे से छुटकारे के लिए प्रार्थना की मांग करते हैं। अपनी छोटी बहन प्रीति की पढ़ाई के लिए आशीष और ज्ञान मिलने के लिए प्रार्थना मांगी है। अंजलि जो जमशेदपुर से हैं, बेटे भास्कर राव के लिए प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें नशे से, नशे की गुलामी से आज़ाद करे, छुटकारा दे और प्रभु उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी सतनामी जो उड़ीसा से हैं, गुप्त अंग में समस्या है, 6 महीने हो रहे हैं, काफ़ी इलाज चल रहा है, ठीक नहीं हो रही, चंगाई मांगी है। प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें चंगाई दे। जीवन हंसवा जो वेस्ट बंगाल से हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। सीआर बंजारे जो छत्तीसगढ़ से हैं, पत्नी कुमुद्री रात में उनको नींद नहीं आती, शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पाइलस की समस्या है, खाया पिया नहीं पचता। प्रार्थना करेंगे प्रभु ने आशीष दे। प्रार्थना करेंगे मीना जो बनारस यूपी से हैं, बीएड किया है, अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना मांगी है। परिवार में, घर में उनके आशीष आए। प्रार्थना करेंगे गोविंद जो बिहार से हैं, पैर में चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें।
साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे कलीसिया मिंज के लिए जो वेस्ट बंगाल से हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, कमाती हैं, रुकता नहीं है, बरकत नहीं है, प्रार्थना मांगिए प्रभु ने आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना करेंगे बेटे तरुण ने, प्रार्थना मांगिए जो अजमेर से हैं अपने पिता के लिए, पिता का नाम है मंगलीलाल, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और मम्मी के सर में दर्द है, उन्होंने दोनों के लिए प्रार्थना मांगी है, मम्मी को चंगाई मिले और पापा को नशे से छुटकारा मिले। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आपके सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए आप भी प्रार्थना कीजिए। तो आइए अपने हृदय को, मन को खोलें और आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रभु की हम स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। जोड़े हुए अपने सिर को झुका, मेरी सुन ले दुआ ए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआ ए खुदावन खुदा। तू है मेरी वफा, मेरे चारों तरफ रुकी आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा, मेरे चारों तरफ रुकी आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा, मेरे चारों तरफ रुकी आग लगा, मेरे दिल में समा, मेरे रूह में समा, जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा। है तो तूफानों में
पास है तू, तेरा वादा है ये मेरे साथ है तू, तूफानों में भी मेरे पास है तू, तूफानों में भी मेरे साथ है तू। नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, नजरों को झुकाए खड़ा हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा। अंधों को आंखें दी ओड़ियों को शिफा, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, तुझसे मुक्ति मिली तुझसे राहत मिली, मेरे चारों तरफ रोशनी रोशनी, जो जो से राहत मिली। आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, आंसुओं को बहाए खड़ा हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आया हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, नजरों को झुकाए खड़ी हूँ खुदा, नजरों को झुकाए खड़ा हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, आंसुओं को बहाए खड़ी हूँ खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ, तेरे दर पे मैं आया हूँ लेके दुआ, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, तेरे दर पे मैं आई दर पे मैं आई खुले के दुआ, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, मेरी सुन ले दुआए खुदावन खुदा, हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 बड़ी भक्ति के साथ बड़े विश्वास के साथ आनंद मनाते हुए आत्मा का अभिषेक का स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं एक साथ ऊंची आवाज में कहते जाए हालेलुया 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 तेरे दर पे मैं आई हूँ लेके दुआ तेरे दर पे मैं आया हूँ लेके दुआ मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा मेरी सुन ले खुदावन खुदा हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा हाथ जोड़े हुए अपने सर को झुका मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा झुकाए खड़ी हूँ खुदा नजरों को झुकाए खड़ा हूँ खुदा मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा मेरी सुन ले दुआ है खुदा हालेलुया मेरी सुन ले दुआ है खुदावन खुदा हालेलुया 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 Hallelujah! 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 Hallelujah!
पे पूरा पूरा अधिकार है। तेरे नाम के आगे आकाश और पाताल की सारी शक्तियां घुटने टेकती हैं। तेरे नाम के आगे प्रभु दुष्ट आत्माएं थर थर कांप उठती हैं, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तेरे नाम के आगे बीमारी झुक जाती है। तेरे नाम के आगे मुर्दे चंगे हो जाते हैं। तेरे नाम से रोगी शुद्ध हो जाते हैं। तेरे नाम से बिगड़े काम बन जाते हैं। तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो नाम है यीशु। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। मेरे भाई मेरी बहन, उनको प्यार करें, उनकी स्तुति और आराधना करें, उन्हें दिल की गहराई से उनके प्रति ईमानदार रहें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनको पहला स्थान दें। हालेलुया 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 हालेलुया। वो आपके सारे बंधनों को खोल देंगे। वो आपको आपके नशे से, आपका पति नशा करता है, आज सबसे ज्यादा दुनिया भर में नशे की आदत गूंज रही है, नशा प्रभुता करे हुए है। यीशु मसीह के नाम पर आज नशे के बंधन आपके जीवन से खुल जाएंगे। भाई नशे के बंधन दूर हो जाएंगे। आज आपके जीवन में अद्भुत होगा, आज अद्भुत कार्य होगा, आज चमत्कार होगा। यीशु मसीह के नाम पर आज चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है, आज चमत्कार हो रहा है। विश्वास करें, आज आपकी परिस्थिति बदल रही है, आज आपका जीवन बदल रहा है। स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं का यहोवा ईश्वर, हमारा एकमात्र प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ईश्वर, उनको हमने पुकारा है। और वचन बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आज हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, आज हमारी सवालों के जवाब का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में हैं। उन प्रभु से कहें, अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने परिवार की हालत उन्हें बताएं। आपका पति नशा करता है, आप उन्हें बताएं प्रभु को, प्रभु मैं समझाते समझाते थक गई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, तू ही तो एकमात्र ईश्वर है प्रभु, तुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है। कहें, मेरे पति पर प्रभु तुझे अधिकार है। आज सबसे ज्यादा मेरे प्रिय भाई और बहन, यही बात सुनने में मिलती है, नशा 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 नशा, परिवार बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं नशे के कारण। पत्नियां सुबह आते हुए फोन करती हैं, रोती हैं, हम क्या करें, परिवार में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, कर्ज है, पति नशा करता है, नौकरी नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, वचन बताता है, तुम्हारा हृदय क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस शरीर में, इस मन में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। यदि तुम इसे नष्ट करोगे, नशा करके, व्यभिचार के द्वारा, बुराई और पाप के द्वारा, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप नशा करते हैं छोड़ दें। प्रभु आज आपसे कहता है छोड़ दें, प्रभु से शक्ति मांगे, कृपा मांगे, वो आपको कृपा देगा।
वो आपको शक्ति देगा, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको इस पाप के दलदल से कीचड़ से निकालेगा, क्योंकि उसका हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार ना कर सके, वो इतना कमजोर नहीं है। उसने आपको बनाया है, उसने आपकी सृष्टि की है, उसने आपको रचा है। वो आपके एक एक मन को, एक एक हड्डी, एक एक नस को, एक एक विचार को, एक एक बात को वो जानता है, वो आपसे परिचित है। प्रभु से कहें, मेरे भाई और बहन, प्रभु का वचन बताता है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है। ईश्वर ने आपको चुना है, माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने आपको चुन लिया, उसने आपको चुन लिया, उसने आपको नियुक्त किया है। जब उसने आपको चुना है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है। उसने कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूँगा। मेरी बहन, मेरे भाई, ईश्वर ने आपको चुना है, वो संसार के अंत तक आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। भले ही आप उसे छोड़ दें, भले ही आप उसे त्याग दें, अपनी गरीबी के, चिंता के कारण, बीमारी के कारण चंगाई नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग लालच में चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई मिलने पर छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं प्रभु को, या फिर कोई प्रार्थना मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरी नहीं होती, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, मतलब के लिए यीशु के पास आते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, उसने आपको मतलब के लिए प्यार नहीं किया, उसने अपनी जान क्रूस पर नछावर कर दी आपके लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी आजादी और स्वतंत्रता के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। वही प्रभु ने आपको चुना है, वो आपको कैसे छोड़ सकता है। प्रभु ने जिनको चुना, उन्हें अभिषेक दिया, उन्हें सामर्थ्य दी, उन्हें ताकत दी, उन्हें बल दिया, उन्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया, उन्हें किसी के सामने हिम्मत हारने नहीं दिया, उन्हें जीत दिलाई, विजय दिलाई, सेन, शौकत, शोहरत सब कुछ दिया, ऐश आराम दिया, राज्य दिया, सब कुछ दिया, किसी भी बात की कमी गलती होने नहीं दी। उसने दाऊद को चुना, दाऊद का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से भरा, उसने इसराइल का राजा उसे नियुक्त किया, साम्राज्य दिया, प्रभुता दी, सहन शोकत दी, ऐश आराम दिया, अच्छा खाना पीना भोजन दिया, रहने का महल दिया, वो उसके साथ रहा, उसको नहीं छोड़ा, आशीर्वाद दिया। वही प्रभु ने आपको भी चुना है, वो आपको देगा। आप उसके प्रति ईमानदार रहिए, आप उससे लिपटे रहिए, आप उसे मत छोड़िए, मत त्यागिए, आप उनकी आराधना कीजिए। उसने इब्राहिम को चुना, आशीर्वाद दिया, संतान नहीं, 300 वर्ष की उम्र में संतान दी, और उससे वादा किया, मैं तेरी 1000 पीढ़ियों तक तुझ पर आशीर्वाद पर आशीर्वाद, आशीर्वाद पर आशीर्वाद बरसाऊंगा, तेरी संतति इतनी बढ़ा दूंगा तारों के समान। जिसको प्रभु चुनता है भरपूर मात्रा में आशीष देता है, और वचन बताता है, इब्राहिम हमारे लिए एक उदाहरण बने, हमारे विश्वास के पिता माने गए। ईश्वर ने उनको चुना, वो उनके प्रति ईमानदार और वफादार रहे, ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। वो प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, वो आपको ऐसी आशीषें देगा जैसे आशीर्वाद उसने देने का वादा किया। उसने मूसा को चुना, मूसा को भी उसने नहीं छोड़ा, मूसा को आशीर्वाद दिया, इसराइली जनता को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए चुना,
और उनके साथ रहा। वचन बताता है दिन में वो बादल की छाया बनकर उनके साथ चलता था मेरे भाई, और रात में अग्नि के खंभे के समान। मूसा से यीशु ने बातें की, इसराइलियों के साथ रहा, इसराइलियों के साथ चला, उनकी यात्रा में उनके साथ रहा। उन्हें भूख लगी तो भोजन दिया निर्जन प्रदेश में। सोच के देखें उसकी ताकत, विचार करें उसकी ताकत पर, उसके चिन्ह और चमत्कार पर, उसके प्यार पर, उसकी दयालुता पर। वो कितना भला, कितना दयालु है। जब भूख लगी तो स्वर्ग से उनके लिए रोटी बरसाई, जब प्यास लगी तो चट्टान से उनके लिए पानी निकाला, कड़वे पानी को मीठा बनाया। जब रास्ता भटक रहे थे रास्ता दिखाया। ओ कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितनी महान है उसकी सामर्थ्य, कितनी अपरंपार है उसकी शक्ति। जब उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई, स्वर्ग से मांस की वर्षा की। धन्यवाद यीशु। 40 वर्ष तक वो उनके साथ रहा। लोग ये जनता उनको भुनभुनाती रही, जिसको उसने चुना नियुक्त किया वो उसके खिलाफ उसके विरोध में चलते रहे, भुनभुनाते रहे, उसे त्यागते रहे, छोड़ते रहे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहे बीच बीच में। लेकिन ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, बार बार उन्हें सचेत किया, उनकी रक्षा की, उनके साथ रहा, शत्रु से उन्हें बचाया। वो प्रभु कितना महान है, वो आपको भी बचाएगा, वो आपके लिए भी ऐसा प्रबंध करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। वो वैसा करने में सामर्थ्य है। वचन बताता है जिन बातों की तुम कल्पना नहीं करते, जिनके बारे में तुमने नहीं सोचा, मैं वो करने में सामर्थ्य हूं। आज मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। इस समय प्रभु को अपने हाथों में दे दें, प्रभु के हाथ में सौंप दें अपने जीवन, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी, अपनी चिंता, अपनी बीमारी, अपना दुख, अपना दर्द, अपना कर्ज, अपना नशा करने वाला पति प्रभु के हाथों में दे दें, सौंप दें, समर्पित कर दें इस समय। और प्रार्थना करें इस समय यीशु के पवित्र सामर्थी नाम पर। इस समय हर प्रकार की नशे की आत्मा मेरे इन भाई और बहनों के जीवन से जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, मैं डांटता हूँ, निकल जाए, छोड़ करके जाए। हे नशे की आत्मा, तुझ पर इनका कोई अधिकार नहीं है। यीशु ने इनको खरीदा है अपनी लहू की कीमत के द्वारा, ये यीशु की प्रजा है। हे नशे की आत्मा, मैं तुझे डांटता हूँ, इसी समय छोड़ करके जाए, दूर हटे नशे की आत्मा। मैं ललकारता हूँ, मैं शैतान को कुचल देता हूँ, क्योंकि वचन बताता है मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि तुम अपने बीच से शत्रु शैतान को डांटोगे, भाग जाएगा। इस समय मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में जो शैतान काम करता है, डरावने सपने लाता, दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, यीशु के नाम पर ये शैतान की शक्तियां दूर हटे, नष्ट हो जाए इसी समय यीशु के नाम पर। हो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। प्रभु गरीबी से छुटकारा मिले इस समय, प्रभु कर्ज से छुटकारा मिले इस समय, प्रभु कर्ज से छुटकारा मिले इन लोगों को, तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीर्वाद दे, थैंक यू जीसस। प्रभु छू छू प्रभु इस समय, छू स्पर्श कर, छू ले प्रभु, छू ले एक एक को, छू प्रभु इस समय जो तेरी दुहाई दे रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रभु से बताइए, प्रभु की सामर्थ आपके बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु को प्यार करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, और अपनी सारी बातें प्रभु को बताएं, उनके सामने रखें, उनको ख्याल है आपका, आपको प्रभु जानते हैं,
प्रभु ने आपको बनाया है, आपसे परिचित हैं, उनसे बताएं इस समय, कहें प्रभु देखिए मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार चुका हूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे हारने न दे, जब तू मेरे साथ खड़ा है तो मुझे किसी बात की कमी और घटी नहीं होने देगा तू। शक्ति मांगे, आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमने प्रभु की आराधना की है, प्रार्थना की है, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का प्यार हमारे बीच में है, और प्रभु ने आज आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन को बदला है, आप प्रभु ने आपको छुआ है, आज आपके जीवन में अद्भुत हुआ है, विश्वास कीजिए, आज से आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में परिवर्तन, प्रभु का आनंद आप महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको छुआ है, और जितनों ने प्रभु को छुआ उनकी ज़िंदगी बदल गई, प्रभु ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। आप कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं, आप उस ईश्वर की आराधना करते हैं जिसने शब्द मात्र से इस दुनिया को बनाया, शब्द मात्र से आपको और मुझे बनाया, सृष्टि की, जिसको पूरा पूरा अधिकार है, उसको आप पर अधिकार है। आपकी बीमारी, आपके दुख, आपके कर्ज, आपकी बेरोजगारी, आपका नशा करने वाले पति का नशा नहीं छूट रहा, ये प्रभु से बढ़कर थोड़ी है, ये सब प्रभु के नीचे है, प्रभु के बाद में है, सब ने, सब कुछ प्रभु ने आज आपके जीवन में बदल दिया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों और प्रार्थनाओं के लिए लगातार प्रार्थना की गई, कुछ गवाही आई हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। गवाही है शारदा चुरसिया, जो बोकारो से हैं, 10 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया था, प्रार्थना मांगी थी, बहुत चिंतित थी, रो रो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और प्रभु का वचन बताते हुए मैंने हमने प्रार्थना की और उन्हें ढारस बंधाया और कहा प्रभु जल्द ही आपके कर्ज के लिए प्रबंध करेगा। पूछा कितना कर्ज है, बताया था लगभग 70,000। मैंने बोला प्रभु के लिए 70,000 कुछ भी नहीं है, प्रभु इससे ज़्यादा आपको देगा। और आज सुबह इतना आनंदित होकर फ़ोन कर रही थी, हंस रही थी और रो रही थी, खुशी के आंसुओं से बोल रही थी मेरा प्रभु बहुत महान है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, इतना आनंदित थी। बोली भैया एक व्यक्ति ने मुझे बोला तुम्हारे पास पैसे हों या ना हो मत देना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, उसने मुझे 1.5 लाख रुपये दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। 1.5 लाख रुपये का बहन के लिए, बहन शारदा चुरसिया के लिए जो बकारों से हैं, 1.5 लाख रुपये का प्रबंध किया। इनका कर्ज था 70,000 रुपये, प्रभु ने दुगुना प्रबंध किया, वो प्रभु आपके लिए भी करेगा। प्रभु को धन्यवाद दे, जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु के इस महान चिन्ह चमत्कार के लिए। बोली लगातार मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करा रही थी, और आपसे जब प्रार्थना कराई उसी दिन से मेरे अंदर विश्वास जागा और मेरे लिए 1.5 लाख का प्रबंध हो गया। पिछले 3 साल से ये कर्ज था, कर्ज नहीं जा रहा था, और बोला आपकी प्रार्थना अटेंड की, आपसे प्रार्थना कराई, आपने बोला प्रबंध करेगा प्रभु जल्द ही, और बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर 1.5 लाख का प्रबंध। और भाई ने बोला कि मत देना, अगर हो तो देना, नहीं हो तो मत देना। ऐसा है मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा प्रभु। एक और गवाही है रोशन लाल, जो यूपी से हैं, इनकी भी बहुत बड़ी गवाही है। पिछले एक डेढ़ महीना पहले इन्होंने फ़ोन किया था, इनका कोर्ट में केस चल रहा था, और प्रार्थना मांगी, मैंने बोला ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा,
और हमने प्रार्थना की लगातार फ़ोन में और ऑनलाइन में भी प्रार्थना की, वो प्रार्थना देखते रहे। और दो दिन पहले उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया भैया जिस कोर्ट केस में हमें झूठा फंसाया गया था और उसमें हमें जेल हो जाती, जेल नहीं जाते तो 5 लाख रुपए हमें देने पड़ रहे थे, हमें पेनल्टी, लेकिन प्रभु ने ना तो हमें जेल जाने दिया और ना ही हमें 5 लाख रुपए देने पड़े। जो हमारे पर झूठा केस था, आरोप था, हम बाइज्जत बरी हो गए। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो इस महान चमत्कार के लिए। बहुत खुश थे, बोले हमारे 5 लाख रुपए बच गए, हम जेल जाने से बच गए, बाइज्जत बरी हो गए, प्रभु को धन्यवाद। एक और गवाही है, आरती जो पूना से हैं, उनके ऊपर काफ़ी कर्ज था और उन्होंने भी प्रार्थना मांगी फ़ोन के द्वारा, कई बार मैसेज किया, मैं उनको बोलता रहा चिंता मत करो मैं आपसे बात करूँगा, फ़ोन करूँगा, और फ़ोन किया, बात की, प्रार्थना किया, और उसके बाद मैंने कहा बहुत जल्दी प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। एक सप्ते के बाद, जैसे प्रार्थना की, प्रार्थना करने के एक सप्ते के बाद उन्होंने बोला मेरी माँ ने मेरे जो है पति के लिए खुद फ़ोन करके बोला, और जो जितना कर्ज था, मेरी माँ हमसे बातचीत नहीं करती थी, मेरे दामाद से, हम दोनों की लव मैरिज है, बातचीत नहीं करती थी, कुछ नहीं था, कर्ज था, उन्होंने फ़ोन किया और पूछा कितना कर्ज है, और जितना कर्ज था एक एक व्यक्ति का पूरा उन्होंने उस कर्ज को चुकाने के लिए दिया, और प्रभु ने उस कर्ज से उन्हें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया। इस गवाही के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बहन सीता की, जो कानपुर यूपी से हैं, वो दुष्ट आत्मा के बंधन से जकड़ी हुई थी और काफ़ी परेशान थी, और उनके पास अपना घर भी नहीं था। प्रार्थना मांगी, हम घर खरीदना चाहते हैं और इस दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करना। उनके लिए भी प्रार्थना की गई लगातार, और प्रभु ने उनको एक सुंदर घर दिया, जो घर उनका नहीं बन रहा था प्रभु ने एक अच्छा घर दिया, और बोल रही हैं कि मैं अभी जो हूँ इस दुष्ट आत्मा से भी मुझे चंगाई मिली है, पूर्ण रूप से मुझे छुटकारा मिला है, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को धन्यवाद। और एक और गवाही है, उपेंद्र माजी, आज उन्होंने सुबह फ़ोन करके बोला कि मेरे सर में दर्द था पिछले 2 साल से, दवाई करा रहा था, काम नहीं हो रहा था, दर्द नहीं जाता था, जाता था, रुक जाता था, लेकिन मैं लगातार प्रार्थना सुन रहा था, आपकी प्रार्थना भाग ले रहा था, और जब मैंने प्रार्थना करता गया अब पिछले काफ़ी दिन से मेरे सर में दर्द नहीं है। मैंने जांचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से हो जाएगा पहले की तरह, नहीं हुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा 2 साल का दर्द इस प्रार्थना सुनने के द्वारा और प्रार्थना कराने के द्वारा ठीक हो गया, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों बहन, इन सभी गवाहियों के लिए हम जोरदार प्रभु को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपके महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए, प्रभु आपकी आराधना स्तुति हो, प्रभु आपका कार्य है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको भी धन्यवाद इन सभी गवाहियों को भेजने के लिए। बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, छोटी छोटी फ़ोन करते हैं, सबको तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोगों के प्रार्थना निवेदन आते हैं, सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन बारी बारी से हम सबका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारा परिवार और हम आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए निरंतर डेली प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको आशीष देंगे, जैसे भाई और बहनों के जीवन में चमत्कार किया, प्रभु बहुत बड़ा है वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। देर होगी भले ही, लेकिन अंधेर नहीं होगी। और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8279997397, 8279997397, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जब आप मैसेज करते हैं, आप पूरा बताइए आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका क्या प्रार्थना निवेदन है, आधा आधा भेजते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा भेजिए। यदि फ़ोन नहीं उठा पाते आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है, और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और हमारे परिवार के लिए, साथ ही साथ लोगों को आशीष मिल रही है इस प्रार्थना के द्वारा, प्रभु भी आपको भी आशीष दे रहे हैं। आप अपने तक सीमित मत रखिए, प्रभु के इस राज्य को, सुसमाचार को फैलाइए, लोगों के पास जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर हैं शेयर कीजिए, भेजिए। जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपको दुगनी मात्रा में आशीष देंगे। प्रभु जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमें सबसे पहले हमें आशीष देता है, तो
तो प्रभु आपको आशीष देगा। आप दूसरों को शेयर करें, भेजें, उनको बोलें देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और आप भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम लगातार आप हमारी प्रार्थना में हैं। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के दिन प्रभु ने आपके साथ प्रार्थना करने का मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।